समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, इसका आंसर हो गया 56056। आ जाइए, मैं आप सभी को मिलाने जा रहा हूं आनंद मौर्य से। ये आनंद मौर्य अपने एकलव्य बैच के, जो यूपीएसआई का एकलव्य बैच था 2021 वाला, उसके छात्र हैं और आज से मैं इन्हें एसआई आनंद मौर्य कहता हूं। ये सिलेक्टेड हैं 2021 की वैकेंसी के अंतर्गत और एकलव्य बैच में इन्हें रह करके पढ़ाई करी है। आप यूपीएसआई के छात्र हैं तो आपके लिए तो निश्चित तौर पर इंस्पिरेशन है, बाकियों के लिए भी है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। इनकी कुछ खासियत गिना दूं, सबसे पहले तो इनकी उम्र अभी 22 साल पूरी हुई है, जब इनका सिलेक्शन हुआ इनकी उम्र 21 साल थी। ये अभी 21 साल के थे जब इन्होंने यूपीएसआई का सिलेक्शन लिया। 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे सीतापुर में, काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि सर हमसे मिलना है, आकर के मुलाकात करनी है आपसे जो है, और आज लकली आए। निश्चित तौर पर मुलाकात करना भाई हमारे लिए भी गौरव की बात है कि अपने पढ़ाए बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं और नाम रोशन करते हैं, मेरा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने घर परिवार माता पिता को तो निश्चित तौर पे कर रहे हैं, तो सीना चौड़ा है, बड़ी खुशी है इनको देख करके, इनके साथ खड़े होकर के। मैं चाहता हूं कि आप में से भी अक्सर लोग ऐसे आए और हमारे साथ खड़े हुए और हम आपके साथ भी गर्व की अनुभूति कर सके। मैंने इनकी खासियत गिनाना शुरू किया, इनकी उम्र 22 साल है, 21 साल में इनका सिलेक्शन हुआ यूपीएसआई में। 2019 यूपीपी भी इन्होंने क्वालिफाई किया था, 18-19 वाली जो वहां पर वैकेंसी थी। इसके साथ साथ टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, पेट में इनके 86 नंबर हैं। ऐसे विलक्षण छात्र को तो भाई साथ में रखना, साथ में खड़े होना, तो मुझे एक टीचर के तौर पर एक गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आनंद से चाहूंगा कि आप लोगों के लिए 2 शब्द आनंद कहें, और निश्चित तौर पर जब आनंद कहेंगे तो आप उसको सुनिए और उसको अमल में लाइए। आनंद, अपनी सफलता के लिए 2 शब्द जो आपके भाई हैं छोटे उनके लिए। सर्वप्रथम तो मैं यही बात कहूंगा कि श्री संदीप सर और श्री रवि सर और समस्त टारगेट ऑन का मार्गदर्शन और आशीर्वाद की प्राप्ति मुझे हुई, जिस वजह से आज ये सफलता मिली। वैसे तो मैंने केवल एकलव्य बैच लिया था, लेकिन उसके अलावा जैसे सर ने बताया कि सी टेट, यूपी टेट, पेट, इन सभी के लिए मैंने केवल मैराथन जो सर टारगेट ऑन पे चलाए, मैंने उनको देखते और लगातार उनको फॉलो करते रहा। और यूपीएसआई के लिए तो मैंने एकलव्य बैच लिया था और एकलव्य बैच में लगातार जुड़ा रहा, सर का मार्गदर्शन वहां से मिला। मैं जब से सिलेक्ट हुआ था मेरी इच्छा थी कि मैं सर से मिलूं और सर का आशीर्वाद मिला, और आज वो सौभाग्यशाली, वो दिन भी मैं सौभाग्यशाली कहूंगा क्योंकि मैं मिल पाया सर से, और रवि सर से भी मुलाकात हुई है और आगे अभी सबके साथ मुलाकात होती रहेगी, धीरे धीरे सर का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मैं इनके बारे में बता दूं कि जब मिलने आए तो इन्होंने मतलब सबकी तारीफ करी। इन्होंने बताया कि जैसे आप लोग यूपी टेट, आप जब कभी पब्लिक कोई प्रोग्राम होता है तो पब्लिक प्रोग्राम के बारे में आनंद ने बताया कि सर जो है ये ऐसा प्रोग्राम है जिससे मतलब बिना बैच में रहे भी पढ़ा जा सकता है और तैयारी की जा सकती है। इन्होंने कहा कि हम यूपी टेट और पेट की जो परीक्षा है उसको पब्लिक मैराथन कक्षाओं से ही कवर कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मिसाल है, और निश्चित तौर पर ऐसे भाई से, ऐसे छात्र से जो हमारे साथ खड़ा है, हमको गर्व हो रहा है। और मैं आप सबके साथ इस समय ये साझा करना चाहता हूँ कि आप सब भी इसी तरह से सेलेक्ट हुए और हमारे साथ आकर के जुड़े। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक डिटेल्ड इंटरव्यू इनका, जो आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, जिससे आप सीखें और उसको अपने जीवन में अमल लाएं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में और मजबूती पा सकें और अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकें। इनके अनुभव, इनके विचार, इनकी परीक्षा की तैयारियों का तरीका, इसके लिए एक डिटेल्ड इंटरव्यू हम लोग यहाँ पर इनका कराएंगे और वो भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।